भाई गाड़ी क्यों रोक दी यहाँ पे? अरे 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। क्या रोकना है, अभी से वेट करूँ मैं? वो देखो देखो, इधर आ बेटा। अच्छा वो लड़का है, वो तो छोटा सा बच्चा है, सफाई कर रहा था गाड़ी की। फेरी भाई ने बुलाया है। बेटा ईद मनाने के लिए नहीं गए आप घर? नहीं। क्यों, क्या हुआ? पैसे नहीं था। पैसे नहीं थे यार इसके पास, ये रीजन था। हाँ तो अब कितने पैसे होंगे तो फिर आप चले जाओगे घर? 1500। अच्छा कह रहे यार 1000 या 500 होंगे तो ये गांव चला जाएगा ईद करने। तो यार एक काम करते हैं, ताकि ईद कर पाए इसके लिए ना कुछ गिफ्ट कर देते हैं। हाँ इसको लेते हैं। इधर आओ बच्चे, इधर आओ। अगर हम आपको 500 या 1000 दें तो जाओगे गांव ईद करने? फिर सीधा घर जाओगे यहाँ पे? अभी फिर आप ना साफ नहीं करोगे किसी को भी? हाँ प्रॉमिस करो, वादा करो भाई, मुझसे वादा करो। हाँ ईद मनाने जाना है। ठीक है सही है, चलो ठीक है यार। फिर भाई ये पकड़ो, आ रहे हैं ना दो। ठीक है ठीक है, अब देखो इतने ही है जितने आप कह रहे थे। हाँ देख लो देख लो। ठीक है अब आप सीधा घर जाओगे? हाँ अब देखो इसने वादा किया ना। हाँ। इसको घर जाना चाहिए, बस अभी कोई काम नहीं करना, सीधा घर जाना है और ईद मनाना है अम्मी अब्बू के साथ। ठीक है चलो, ठीक है चलो यार, ठीक है चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज फेरी भाई ने बड़ा अच्छा काम किया माशाल्लाह, और यहाँ पे लेके आए थे ये वैसे खाना खिलाने, निकले तो हम उस नीयत से थे लेकिन अचानक इसने रोक दिया यहाँ पे, और माशाल्लाह जो है बच्चे की हेल्प भी हो गई। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप किसी को देख रहे हैं इस तरह से, जो बेचारा किसी की हेल्प नहीं हो सक रही है या जो बेचारा ईद नहीं मना सक रहा, तो आप लोग भी जाएं, आप लोग भी उनकी हेल्प करें ताकि वो जाकर अपने घर वालों के साथ ईद मना सके। तो दोस्तों बड़ा स्वीट सा मैसेज फैजी भाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई आप ऐसा बंदा देखो जो ईद नहीं मना रहा, वो किसी मजबूरी के तहत ही नहीं मना रहा होता ना, तो उसकी आप हेल्प करो ताकि वो अपने प्यारों के साथ ईद मनाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद मुबारक। तो दोस्तों डक के काम देखें, ये पानी पी भी रही हैं और नहा भी रही हैं। अरे बस नहाओ 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 यार। तो दोस्तों मुबारक कह रही हैं आपको। हाँ तो दोस्तों ये भी ईद मुबारक कह रही हैं, क्योंकि पेट भी आपको पता है ना ईद मुबारक कहते हैं। फिर भी आज लेट जो हो गई हमें, वो तो बताओ दोस्तों क्यों लेट हुए हमारी वजह से? यार मेरी वजह से लेट हो गए, अदनान भाई की वजह से लेट हो गए, आदि भाई की वजह से लेट हो गए, क्योंकि बहुत जरूरी काम था हमें, इतना जरूरी हाँ। काम था कि मैं बता नहीं सकता। काम भी यार बहुत सारे होते हैं, आपको पता है नमाज पढ़ने के बाद क्या करना होता है। ऐसे ही है। तो दोस्तों ये नमाज पढ़ने के बाद बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है सारे लड़कों के लिए, आपको पता ही है, क्योंकि हमें सोना होता है। सारों ने नींदें पूरी की है, और नींदें पूरी करके ना हम यहाँ पे आए अपने पेट के पास, तो अभी दाना वाना डालते हैं। तो दोस्तों क्रीमी काम देखें, ये वाले क्यों सेट बैठे हैं? अरे तुम क्यों सेट बैठे हो यार, क्या हुआ तुम लोगों को? अरे एंजॉय करो, आज तो ईद है, चलो हमारे तमाम व्यूअर्स को ईद मुबारक बोलो। चलो 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 ईद मुबारक दोस्तों ये लोग आज सेड हैं, पता नहीं क्या हुआ है, मैं इनको देखता हूँ कि इनके घोंसले में कोई ऐसा मसला है क्या कि ये लोग सेड हैं। अरे क्यों सेड हो यार, ये तो सारी चीजें सही, पता नहीं दोस्तों ये शायद मैंने घास नहीं डाली अभी तक, क्योंकि घास में डालता हूँ देर से, क्योंकि मुर्गे वगैरह ये खुले हुए हैं ना, ये लोग भी घास खा रहे हैं, और ये घास खाने की वजह से ना तबीयत भी इनकी डाउन हो रही है। वो देखो, अरे शेरू को खोल दिया। अरे आते शेरू को क्यों खोला यार? तो ईद है ना, घूमे आजाद हो, क्या करें और? अरे वो सबके साथ लड़ता है यार, ईद पे ना सारों को मारे है, पकड़ गया। हाँ, सबको जख्मी करना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा, सबको बंद कर दिया। अच्छा। गंजा मुर्गे ही घूम रहे, बल्कि हाँ। इसको मारे तो मारे। दोस्तों आतिफ के ना गंजे मुर्गे के साथ एक 36 का आंकड़ा है, ये कहता है कि यार गंजे मुर्गे के साथ सीन हो। ये देखो क्रिमी को भी मारने लग गया ये तो, अरे क्या हो गया? हाँ क्रिमी को नहीं मारे, हाँ मारना है तो आतिफ का जो दोस्त है गंजा मुर्गा उसको ही मारो। वो सबको मारता रहे, हाँ वो सबको मारता है, ये बदला भी ले लेगा। सारी बैंटम घुसी हुई है उधर को। हाँ वो डर गई ना यार, डर गई। हाँ गंजे मुर्गे में शेरू आ गया तो अब कोई भी बाहर नहीं आएगा। हाँ वो बेचारा, वो देखो ना। तो दोस्तों यहाँ का जो शाखा है ना, शाखा वो हमारा शेरू है, बस ये घूम रहा है, और अभी गंजे मुर्गे की घेर नहीं है भाई, तुम गए अब, तुम्हें शेरू खुल गया है अब। तो दोस्तों पिजन केज में चल के ही देखें क्या मामलात हैं। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह सारे खाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आतिफ ने आते साथ इनको खाना डाल दिया था। आतिफ ने कहा यार इनको भूख बहुत लगी होगी, और ये है कि इनको जो है ना आज ज़्यादा खाना डाला है, क्योंकि ईद का दिन है आज, स्पेशल दिन है, तो सारे इंजॉय कर रहे हैं। अंडा बस एक ही आया हुआ है ये इनका, बाकी और अंडे जो है ना यहाँ पे नहीं है। इंशाल्लाह दोस्तों अभी अंडे आएंगे, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो इंशाल्लाह हमें अंडे मिलने हैं और बहुत जल्द मिलेंगे। हाँ इंशाल्लाह। ये देखो ना, हाँ यार ये मसाला, इसकी बेबी भी ना बड़ी हो गई। अच्छा हाँ यार मच्छरों को क्या करें यार, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालो। हाँ आते ईद मुबारक दोस्तों, ये व्हाइट मिनट हमें ईद मुबारक कह दिए भाई, वालेकुम सलाम और ईद मुबारक तुम्हें भी। हाँ चलो इसको देखते हैं यार, इसको क्या हो गया यार फेजी? हाँ ये मच्छर काट रहे ना इसके सर पे। हाँ यार यार फेजी ये है कि अभी क्या क्या सीन कर रहे हैं, हम तो स्प्रे भी करके जा रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है स्प्रे का, तो मैं कह रहा हूँ इसकी जगह चेंज करें क्या? इसकी जगह इसको कहाँ पे देना, इनको अंदर कर देंगे अब? हाँ मैं कह रहा हूँ अंदर कोई जगह ढूंढते हैं, और वहाँ जो स्प्रे ना रिटेन भी करेगा। हाँ। ये बाहर ओपन है ना, तो स्प्रे भी हाँ जाया हो जा रहा है। सही हो गया, बस इसको ऐसे ही कर देंगे, ऊपर चला गया, क्योंकि दोस्तों हमारा जो है
शेर खुल गया, शेर शेरू खुल गया और ये डर रहा है, ये सबको मारता था, अब इसकी आज शामत आई है। वैसे वैसे अच्छा किया यार इसके साथ हमने, ये डर थे, ये डर है तो सही ना, सबके साथ डर है तो सही, हर किसी को आगे मारता रहता बेवजह, क्योंकि सागा बन के घूम रहा था यहाँ पे, सबके साथ लड़ रहा था, और हमने जब इसको शेरू को खोला है तो अब इसका पता चला। चले दोस्तों ये आ जाओ भाई नीचे आ जाओ दोस्तों, ये देखे ये देखे बस, अब पता चला दूसरों के साथ लड़ते थे, ना तुमने क्रीमी को छोड़ा ना माइट बेंडम को छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, उल्टा टर्की बर्ड के साथ भी लड़ने शुरू हुआ था। तो बताते हैं हाँ। दोस्तों हम लोगों ने जगह चेंज कर दी है अपने शेराजी और प्यारे से जैकोबिन के जोड़े की, और ये देखें बच्चा भी अंदर लेके आ गए, ये दोस्तों इसको मच्छर काट रहे थे और बड़ा सा दाना भी हुआ हुआ है, तो यहाँ ऊपर अंदर रहेगा ना, तो इंशाल्लाह ये सही रहेगा, इसका जो दाना था ना हाँ जो ना कवर हो गया, सही हो गया यार इसका दाना, हाँ बच्चा है माशाल्लाह बड़ा भी लगता है यार ये, और हाँ हाँ बच्चा है, और चलो यार इसका दाना बिल्कुल ही सही हो गया, हाँ और अच्छा क्यों अंदर क्या सीन है, अंदर इसकी अम्मी बैठी हुई है अंडे के ऊपर, अच्छा तो अंडा दिया हुआ है, अंडे भी आ गए हैं अब तो, जैसे ही बड़े हो जाते हैं दोबारा से अंडे दे देते हैं, हां माशाल्लाह यार सही है, ये खुद खाने लग गया है, नहीं आ रहे अभी तक, कुछ खाने शुरू हुआ तो यार ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना, हां है तो यार प्रॉब्लम वाली बात, पर फिलहाल के लिए करना पड़ेगा, फिर क्या 10 से 15 दिन के बाद में कुछ खाना छोड़ देगा, फिर जो ना हम किसी और इनको जिसको टाइम बाहर शिफ्ट कर यार फिर जी हमें ना तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसकी मम्मा जो है को खिला रही है नहीं, क्योंकि दोस्तों जब ये अंडा दे देती है और जब ये उसको इनक्यूबेट कर रही होती है तो अगले बच्चे को ये खिलाना छोड़ देती है, हाँ ये तो ये देखना होगा हमें, ये फायदा है हमें, हाँ जो ना दोनों केयर करते हैं ना हमें बच्चे, हाँ तो एक अंडों पर बैठी रहेगी और दूसरा जो ना उसको केयर कर लेगा अपने, हाँ तो दोस्तों हमारा शेरू जो है ना अब अकेला ही रह गया है, अरे शेरू कहाँ जा रहे हो, दोस्तों ये आराम से पानी पी रहा था और हमने जो है ना इसको तंग भी कर दिया, तो यार नाराज नहीं होना, पर मैं तो वीडियो बनाने आया था, बात ये है कि दोस्तों सबको हमने बंद कर दिया है, सिर्फ क्रीमी जो है ना यहाँ पे हैं, क्रीमी हैं और शेरू है सर, क्योंकि शेरू जो है ना सबसे लड़ रहा था और गंजे मुर्गे की तो आज शामत आई हुई थी, तो इसको हमने बंद भी कर दिया था, अब जो इसको खोला है अब ये एंजॉय कर रहा है, करना आपकी इतना खराब कर दे वो, हाँ यार वो दोस्तों ये बड़ा अटैक करने वाला है, अब चला गया वहाँ पे वाइट बेंटम के पास, हाँ थोड़ा मिल लो, हाँ मैं तो मिला हूँ यार, मुलाकात तो हमने की है, लेकिन मेरे तो डर रहा है ना, पता नहीं है, देखो ना मैं उठा के डर रहा है, मुंह पे लगा, हाँ ठीक है आते उठा लेते हैं दोस्तों, तो आते जो है आज मस्ती में इससे बात कर रहा हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ मैं दोस्तों, ये तमाम भी आपको ईद मुबारक कह रही है, ईद मुबारक दोस्तों, इनकी तरफ से भी ईद मुबारक है, हाँ भाई फिर मुबारक है, फिर मुबारक है, और दोस्तों मोजो की तरफ से भी ईद मुबारक, अरे मोजो कुर्ती से तो निकल जाओ, अरे आ गया मोजो, चलो ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक, तो दोस्तों मोजो की तरफ से भी ईद मुबारक, तमाम हमारे ऊपर वाले सेक्शन में जो भी परिंदे हैं उनकी तरफ से भी ईद मुबारक, मोजो की तरफ से भी, चलो 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 ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक बोलो सबको, तो दोस्तों ये हमारा प्यारा मोजो, और हाँ खैर मुबारक खैर मुबारक, तो दोस्तों इसकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, अरे यार फेरी यार गोरिल्ला को तो हमने देखा ही नहीं, चलो गोरिल्ला से मिलवाते हैं, मोजो मिला गोरिल्ला से, हाँ लेके चलते हैं इसको भी मोजो, मुझे नाराज हो रहा था कल भी, डर तो बहुत रहा था यार, यही करें इसको छोड़ दें, मुझे एंजॉय करें यहां पे, आज जो है शायद आप घास भी डालो ना ये खाएगा, इतनी भूख में होगा, हां सही है, तो चलते हैं इससे मिलते हैं, हां वरना अगर गोश्त खाते हैं ना तो हम गोश्त ही दे देते हैं, अच्छा हां ना ईद का दिन है उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए ना, अरे तुम बस रहम वो कर रहे हो, चलो ठीक है यार फेरी कह रहा तो वो दे देते हैं, गोरिल्ला की पूरी क्या पागल हो गए, अभी उसे मिलेंगे ना, अंदर बैठा हुआ है यार वो, तो फिर बाकी यार आज इसको तो छोड़ो, तुमने कल भी नहीं देखा, तुम आज आके देखो, मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, अरे आ जाओ फेरी, बहुत क्यूट है, अरे यार बस ये छोड़ो यार, चलते हैं यार दोस्तों, आपसे आपको मिलाते हैं हमारे प्यारे गोरिल्ला से, चलो यार फेरी चलो यार देखे गोरिल्ला को, हाँ पंखा वगैरह भी लगाया था, हाँ पंखा उनका लगा दिया था, हाँ हमने कहा यार गर्मी में इसको कुछ हो ना जाए ना यार, जो भी ये पेट लवर तो है ना, हाँ हाँ कमजोर तो हो गया यार फिर, हाँ अब देखते हैं इसकी अकल जो है ठिकाने आई है नहीं आई, ये तो अब तो देखें, हाँ देखो कमजोर कितना हो गया ये, हाँ अब तुम्हारे हाँ और ठिकाने आए नहीं है अभी भी, अभी भी पकड़ के मैं मारते रहो यार, मारने में बहुत सुकून मिल रहा है मुझे यार, इतना तो मारा यार फेरी, अभी इसके हाल वाल लेते हैं, दो दिन से तुम भूखे हो, कुछ खाना ही नहीं खाना, क्या खाना है ना, तो जो हम काम बोले वो करना पड़ेगा तुम्हें, करोगे, हाँ अब से ये सीधा हुआ है ना, तुम इतने मजबूती से बंधे हुए हो ना कि तुम नहीं खुल सकते, अच्छा खाना यार फेरी क्या दें इसको, मैं तो कह रहा हूँ घास दे देते हैं, हाँ घास दें, केले हाँ केले दे दो यार, केले दे दो, हाँ ज्यादा फ्री नहीं करते हम, बात ये दोस्तों इसने बड़ा जुर्म किया है पेट्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर, इस तरह तो हम इसकी आयशा नहीं करवा सकते ना, हल्का हल्का थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, केले खा गया चीकू, बड़ा चीकू, हाँ चीकू दे दो इसको, चलो चीकू खाओ, ये लो चीकू खाओ, हाँ खाओ ना,
खाओ ये लो। हाँ असल में फैदी यार ये लोग खाते ही नहीं है ना। अच्छा ये अरे खा गया ये। हाँ खा गया निकल गया। अरे निकल गया ये और यार फैदी जिन्हे ये तो। अच्छा अभी चीकू वीकू सब चलेगा क्योंकि दो दिन से भूखे हो ना। हाँ अब तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों इसको गांव भी डाल देता हूँ ताकि इसको पता चले क्योंकि इसने बड़ा जुलम किया है। हाँ ये दो लेके आया और आ गया। हाँ चलो दोनों इकट्ठे मुंह में डाल दो। हाँ डालो डालो घुस गया ना निकल गया ना। हाँ ठीक है यार फेरी सही है। बस ये चीकू वीकू और केले केले पे गुजारा करते हैं। इसको आराम कर देना गोरिल्ला बना देंगे। हाँ और वो भी शरीफ गोरिल्ला। हाँ गोरिल्ला ये क्यों घुरा रहा है ये घुरा क्यों गोरिल्ला क्या करे और करना देंगे इसको और देते हैं भाई तुम केले मांगो या फिर चीकू मांगो तो हाँ मिलेगा 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 सबर सबर मिलेगा। चलो यार फेदी फिर चीकू और केले लेके आते देते हैं इसको चलो अभी चीकू तब मिलेंगे डांस करके दिखाओगे लकड़ी लेके आओ लकड़ी लकड़ी में ट्रेन करते हैं डांस करो। हाँ हाँ करो करो गोल घूमो गोल घूमो गोल घूमो। हाँ ये ऐसे थोड़ा और ऐसे करो ऐसे ऐसे चलो करो नहीं नहीं करो फिर। हाँ सही है सही है सही है। हाँ ये देखो यार मजा आ रहा है इसको भी। हाँ अब ये सही लग रहा है। इन बार बोलो चलो इन बार बोलो यार ये जब भी बोलो मैं डर जाता हूँ यार। जी हाँ डांस किया है इसको पूरे 2 किलो चीकू देंगे। सही है चलो ठीक है भाई तुमने अच्छा काम किया। बैठो अभी यहाँ पे चलो बैठो बैठो बस यार फेरी लोगों को भी एंड करते हैं। हाँ करो और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ तो दोस्तों आज ईद का दिन था सारे पेट से मिले और सारे पेट ने आपको बहुत बहुत ईद मुबारक भी कहा। और दोस्तों हमने पूरे रमजान आपको फुल एंटरटेन किया है हमने एक भी दिन जो है ना ब्रेक नहीं किया और आपके लिए बहुत सारे हमने एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस बनाई है। तो और मुझे मेरी ईदी चाहिए सब्सक्राइब करो जल्दी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमने एक दिन भी मिस नहीं किया रमजानों में। आपको एक सपोर्ट की जरूरत है हमें प्लीज सपोर्ट अस। मुझे ईदी चाहिए भाई सब्सक्राइब करो मेरी ईदी मिल जाएगी मुझे। चले आतिफ को ईदी दें और सब्सक्राइबर चैनल लेते हैं यहाँ पे अलविदा अल्लाह हाफिज़।